बात ये बताना चाहूँगा मैं कि पिछले 5 महीने में जो ट्रैफिक पुलिस नेशनल हाईवे ने तकरीबन जो है 40,000 के करीब, एग्जैक्ट डेटा आपसे हम शेयर करेंगे, 40,000 के करीब चालान जो हैं वो किए हैं, जिसमें तकरीबन 4 करोड़ रुपए जो है वो फाइन इम्पोज किया गया है। इसके अलावा 550 के करीब गाड़ियां जो हैं वो भी सीज की गई हैं डिफरेंट वायलेशंस में, और डिफरेंट हमारे पास डिफरेंट जो कैटेगरीज हैं कि ड्राइविंग विदाउट लाइसेंस, रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग, ठीक है, और जंपिंग द रेड लाइट्स, इस तरह की जो चीज़ें सामने आई हैं उस पे ट्रैफिक पुलिस हाईवे ने काफ़ी मेहनत करके ये सारे जो वायलेटर्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ की हैं और मुतलका कोर्ट तक इनकी जो प्रोसीडिंग्स हैं वो पहुँचाई हैं। इसमें जो डलवास से लेके और बानिहाल मार्केट तक है, इसमें एक बहुत अच्छी सर्वे हुई थी जिसमें तकरीबन 21 के करीब स्पॉट्स, रफ स्पॉट्स जो है आइडेंटिफाई किए गए, और जिनकी वजह से ट्रैफिक में आए दिन जो है बाधा पड़ता था या जैमिंग होती थी, उनको स्पॉट को आइडेंटिफाई करके हमने पुलिस हेडक्वार्टर्स तक ये जो है अपनी सबमिशंस पहुंचाई, और सीनियर मोस्ट लेवल की इंटरवेंशंस के बाद सारी एजेंसीज मुतहरिक हो गई, और अभी इनमें से अगर हम 19 ये स्पॉट समझते थे जिसमें तकरीबन 16 स्पॉट्स जो हैं वो स्मूथ हो गए हैं, बेटर हो गए हैं। 3 मेजर स्पॉट्स अभी भी हमारे पास बचे हुए हैं जिनमें आपके काम चल रहा है, जैसे डलवास का ही थोड़ा बहुत एरिया था, लेकिन आज एक और नया टनल वाला एरिया ऐड हुआ है, मिहाड़ है और मगरकोट है और थोड़ा सा पंथियाल के आसपास हमारा था। तो बाकी सारे स्पॉट्स को बेटर किया गया है नेशनल हाईवे अथॉरिटी की मदद से, और जहाँ पे अब ट्रैफिक की स्पीड भी बढ़ गई है। हमारा मेन कंसर्न ये है कि समर चैलेंजेस जिनको हम बोलते हैं, उसमें आप जैसे जानते हैं कि समर में टूरिज्म का एक बूम आता है वैली के लिए और जम्मू कश्मीर के लिए, और हमारे यहाँ अमरनाथ जी की यात्रा होती है या वैष्णो देवी जी के दर्शन के लिए लोग पूरे मुल्क से आते हैं, तो इस रोड को एक लाइफ लाइन भी हम मानते हैं वैली के लिए, और लद्दाख के लिए भी एक लाइफ लाइन का काम करती है। सारा जितना भी हमारा स्टोर्स हैं वो इसी के थ्रू जाती हैं, और इसको बेहतर रखना, स्मूथ रखना और चलते रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। इसमें कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ जो हमारे लिए एक मेजर हर्डल का काम इस वक्त कर रही हैं, क्योंकि बहुत सारा मैन मटेरियल मशीन इसी सड़क पे उनको रखना है क्योंकि कोई और जगह भी नहीं है। उसके अलावा दूसरी चैलेंज हमारे सामने जो आती है वो यहाँ की वेदर है, जो आपने देखा होगा बारिश है, बर्फ़ है, और फिर उसके बाद लैंडस्लाइड्स आती हैं, शूटिंग स्टोन्स आते हैं, जो हमको ट्रैफिक मजबूर करते हैं कि ट्रैफिक कुछ देर के लिए रोका जाए ताकि लोगों की सेफ्टी जो है वो इंश्योर की जाए। ये रोड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू, कंस्ट्रक्शन एजेंसीज़ हैं उनकी वो, और डिस्ट्रिक्ट पुलिस, चाहे वो जो 5 डिस्ट्रिक्ट्स का ये लोग काम देखते हैं, अगर रियासी, उधमपुर, रामबन को ही मेन देखा जाए, उसके अलावा डोडा और किश्तवाड़ की भी डिस्ट्रिक्ट पुलिस का काफ़ी इसमें हेल्प हमको मिलता है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का हेल्प मिलता है, जिस वजह से हम ये ट्रैफिक चला पा रहे हैं। अदरवाइज़ आप यहाँ के लोकल हैं, आप बखूबी जानते हैं कि ऑन फील्ड, ऑन ग्राउंड हमारे लिए कितनी ज़्यादा चैलेंजेस हैं। हमारी आपके थ्रू कुछ दरख्वास्त भी जनरल पब्लिक के लिए रहेगी कि चूँकि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ चल रही हैं, बहुत सी जगह पे रोड हमारा नैरो भी है, लैंडस्लाइड्स की वजह से भी वल्नरेबिलिटी बनी हुई, उसको भी इमिडिएटली रिपेयर कर सकें। उसके अलावा होल्स की बात या रफ पैचेस की बात हुई, जो बॉटल नेक्स बन रहे थे हाईवे पे, वो तकरीबन 19 में से 16 तो कवर हो गए हैं, बेटर हो गया है। दूसरा, जैसे आप जानते होंगे कि जब ये कॉन्वॉय चलती है यात्रा की, तो उसका पूरा सिक्योरिटी का बंदोबस्त डिस्ट्रिक्ट पुलिस और जम्मू पुलिस उसका पूरा करती है, फ्रंट, मिडल और रियर एस्कॉर्ट्स होते हैं, और आरओपी भी रोड पे लगती है। ट्रैफिक के हिसाब से उसमें ये होता है कि एक पर्टिकुलर कॉरिडोर उनको प्रोवाइड किया जाता है ताकि अप जो कॉन्वॉय है और डाउन कॉन्वॉय जो यात्रा की है वो स्मूथली बगैर किसी परेशानी के निकल जाए। वो एज़ पर पास प्रैक्टिस भी होगा, और इंशाल्लाह इस बार हमको लगता है कि और बेटर तरीके से जो उनका हॉल्टिंग पॉइंट है, चाहे वो चंद्रकोट में है या चाहे आपके लंबर ग्राउंड बानिहाल भी अभी हम देख के आए हैं वहाँ पे है, तो काफ़ी आपको पिछले साल के मुकाबले में बेटर दिखेगा ग्राउंड पे। तो उसमें यात्रा के बारे में अभी जो प्लान पूरा निकलेगा, हमारे पूरी कोशिश होगी कि जनरल पब्लिक को भी कोई ज़्यादा उसमें इनकन्वीनियंस ना हो,
इसके लिए पूरा ट्रैफिक एडवाइजरीज निकलेंगी कि हम इस यात्रा को अप और डाउन को कब मैनेज करेंगे, ठीक है ना, और उसके बाद जनरल पब्लिक को हम कैसे मैनेज करेंगे। कोशिश हमारी यही है, क्योंकि अभी सारी एजेंसीज बैठ के इसमें बात करती हैं, कोशिश हमारी यही है कि जो लोकल इन डिस्ट्रिक्ट्स के रहने वाले हैं या लोकल रोड यूजर्स हैं, उनको इनकन्वीनियंस ना हो और यात्रा स्मूथली निकल जाए। हमारी एडिशनल डिप्लॉयमेंट इस यात्रा के लिए ज़रूर आती है, जो मैन मटीरियल और कुछ मशीन्स हम एडिशनल लेते हैं, कुछ नफरी आएगी जो एडिशनल स्ट्रेंथ आपको ट्रैफिक में दिखेगी, कुछ मशीन्स होंगी जो वल्नरेबल स्पॉट्स पे हम लोग लगाते हैं, इवन हमारे पास सीसीटीवी वगैरह की भी कहीं कहीं पे जो आप देखेंगे सर्वेलेंस वो रखेंगे, इवन इस बार हम ड्रोन्स का भी इस्तेमाल करेंगे फॉर सर्वेलेंस ऑफ द ट्रैफिक जैमिंग एंड द रफ पैचेस, ताकि हमको इमिडिएटली पता चल पाए कहाँ पे ज़्यादा प्रेशर है और वहाँ पे डिप्लॉयमेंट को मोबिलाइज करके हम उसको स्ट्रीमलाइन करें।